पहले की 10 डेटाबेस पाइन कॉर्नर पड़ी हैं कोर्ट में, हाँ वो तो पुराने बैग के साथ बनी हुई है। नहीं, ये तुम बात नहीं समझे। देखो चक्कर पता है क्या है कि देखो वर्ल्ड का जो बैग है ना, वो एक तो इतना ज़्यादा अपडेट होगा नहीं, पहली बात। थोड़े थोड़े उसमें नए वर्ड्स ऐड होंगे, तो जो पुराने वर्ड्स की जो क्लोजनेस है ना, अभी वो हम थ्योरी ज़रा पढ़ते हैं तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा वो। तो जो पुराने वर्ड्स उसके अंदर मौजूद है ना, तो वो तो रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब 1536 डायमेंशन के अंदर कितने वर्ड आते हैं तुम ये भी तो देखो। जब दो वेरिएबल होते हैं ना, जब दो वेरिएबल होते हैं तो हमारे पास बनती है 16 कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो दो वेरिएबल होते हैं उसकी हमारे पास बनती है 16 कॉम्बिनेशन, ठीक है। सॉरी, अच्छा जब तीन वेरिएबल हो जाते हैं, यार इसको मेरे ख्याल है पेंट की ऐप पे खोलता हूँ मैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। अरे खुल जा भाई, एक तो इसके अंदर ये मसला है, ये वेब बेस है ना, खुलने में बड़ा टाइम लगाता है ये। अच्छा जैसे हमने ये वाली बात पढ़ी थी ना यहाँ पे कि जी ये बाइट्स और बिट्स का क्या चक्कर है, तो अब आप समझ लें कि यार जैसे आपके पास ना, अगर एक वेरिएबल है ये रहा और एक वेरिएबल है ये रहा, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। अच्छा एक वक्त में कोई एक जीरो या वन हो सकता है, तो इसकी कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगी। एक में तो ये होगा कि दोनों को आप जीरो जीरो कर दोगे, एक कॉम्बिनेशन ये हो गई। एक में क्या कर दोगे आप, एक को जीरो एक को वन रख दोगे, फिर एक को वन एक को जीरो रख दोगे आप, और फिर दोनों को वन वन रख दोगे, तो ये कितनी हो गई, चार कॉम्बिनेशन हो गई। अच्छा इसी तरह अगर तीन वेरिएबल हो जाते तो क्या होता, इसको मुझे इन इसको राइट वाले को उड़ाना पड़ेगा, सही है। अच्छा तो एक में क्या करोगे आप, जीरो जीरो कर दोगे और एक को वन कर दोगे आप, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको जीरो ही रखोगे, इसको वन जीरो कर दोगे आप, ठीक है। और इसको आप जीरो ही रखोगे, इसको आप कर दोगे वन और वन कर दोगे आप, ठीक है। तो इस तरह आप ये तीन वेरिएबल के अंदर ना, इन्होंने यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि हमारे पास ना ये कॉम्बिनेशंस बनेंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कॉम्बिनेशन बनेंगी। आठ नहीं, आई थिंक ये और ज़्यादा बनेगी यार, इसमें इसने कुछ चीज़ मिस की हुई है शायद इसमें। हाँ आठ, ठीक है। तो तीन कॉम्बिनेशन से सीधा आठ पे हम पहुँच गए। अच्छा इसी तरह अगर चार वेरिएबल हो, पांच वेरिएबल हो, ये देखो इसने कितने वेरिएबल का बनवाया हुआ है, तीन और तीन छः और एक सात वेरिएबल का बनाया हुआ है, तो इसमें पता नहीं हम बहुत आगे निकल गए, ठीक है। तो हमारे पास असल में क्या है, 1536 वेरिएबल हैं। हाँ नहीं, फार्मूला मैटर नहीं करता, हम ये अब हमारे पास ये देखो तीन वेरिएबल का हम बना रहे थे ना, तो ये हम कहाँ तक देखो पहुँच गए थे कि इसको मैंने किया वन और ज़ीरो किया ज़ीरो, और इसको फिर वन ही रखा, इसको मैंने ज़ीरो किया, इसको मैंने वन कर दिया, सही है। इसको मैंने वन रखा और इसको ज़ीरो कर दिया, इसको वन रखा और वन और वन, ये हमारी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गई तीन वेरिएबल की, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये आठ इसके अंदर वर्ड्स में रख सकता हूँ अगर मेरे पास तीन इंडेक्सेस का अगर वो होता। अच्छा ये है 1536 का, नहीं ये ओपन एआई वालों ने बताया, ये तो वेक्टर डेटाबेस में तो ये जितना मर्जी बड़ा रख दो, ये जितना मर्जी छोटा रख दो, वो उन्होंने, अब वो उसकी क्या साइंस है वो अलग चीज़ है कि हर वेक्टर डेटाबेस की ज़ाहिर एक लिमिट होगी ये वाली कि 1536 जाएगा या कितना आगे जाएगा, लेकिन ये 1536 बहुत ऑप्टिमम है। ये जो ओपन एआई वालों ने बनाया ना वेक्टर का जो बैग, तो वो 1536 उसके अंदर जो है ना वेरिएबल्स हैं ये वाले। अच्छा 1536 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जब तीन वेरिएबल के बन रहे हैं आठ कॉम्बिनेशन, तो 1536 के कितने बनेंगे, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है ना। तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स जो है ना इसके अंदर आ सकते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरा खाली पड़ा हुआ होगा अभी बैग, ये 1536 का जो बैग है ना ये खाली पड़ा हुआ होगा, समझ रहे हो, इसमें बहुत सारे अभी नए वर्ड्स की गुंजाइश होगी।
मेरी एजम्पशन है ये। अच्छा अब ये वेक्टर डेटाबेस क्या भला होती है, ज़रा इसकी हम थ्योरी को और मज़ीद समझ लेते हैं। ये हो सकता है ये बात समझ ही ना आई हो अभी आपको, ये जो मैंने वर्ड बैग वाली बात बताई है। अच्छा उसके लिए ना एक हमारे पास व्हाट इज़ वेक्टर डेटाबेस लिखूंगा ना मैं, तो एक वीडियो आती है बड़ी अच्छी। हाँ यार सेलेबस के अंदर है वो, सेलेबस भी तुम लोगों को लगे हाथों में दिखा दूँ बोल के। ये वाला है ना चैट बॉट डेवलपमेंट सेलेबस। अच्छा ये सेलेबस शहजाद लिख रहे हैं उसको, ठीक है, जो इस कोर्स में जो जो पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ क्लास में, तो उसको ये साथ साथ राइट डाउन करते जा रहे हैं ताकि आने वाली क्लासेस के लिए सब लोगों को आसानी हो ना, जो भी टीचर्स ये पढ़ा रहे होंगे उनके लिए और आप लोगों के लिए भी आसानी होगी कि यहाँ पर जो आर्टिकल्स इस क्लास में बताए जा रहे हैं वो आर्टिकल भी इसके अंदर यहाँ पर ये बस लिख रहे हैं ना इसको, जो लिखते जा रहे हैं तो यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है 6 मंथ का कोर्स है, बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज इसकी प्रीरिक्विजिट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ये हमने जो जावास्क्रिप्ट जो पढ़ी थी वो सारा, ये समझ लो बेसिक पूरा कोर्स आउटलाइन है। अभी हम इसके अंदर पहुँच गए हैं या मोंगो डीबी तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अच्छा ये पाइन कोन मोंगो डीबी के बाद आना था, इसका ज़रा सीक्वेंस चेंज कर देना, ठीक है ना। और ये पाइन कोन के बाद हम फिर डायलॉग फ्लो पे जाएंगे, फिर हम ओपन पे जाएंगे और फिर हम विस्पर एपीआई को भी कोशिश करेंगे हम कर लें, ज़रा एक्सप्लोर कर लें इसको। अच्छा ये देखो ये जावास्क्रिप्ट में हमने यही सब कुछ पढ़ा था ना, ये आ गया सारा। अच्छा यार वो कहाँ गया आर्टिकल, हाँ ये रहा वर्ड एम्बेडिंग। ये वाली जो वीडियो है ना ये ज़रा देख लेना, इसने यार ये बड़े अच्छे तरीके से समझाया है ना कि ये क्या चीज़ होती है। अब इसने एक जगह पे ये देखो ये इसने एग्जांपल दी हुई है कि जी टी और कॉफ़ी जो होगा ना वो वर्ड बैग में क्या होगा, वो करीब करीब होगा, ठीक है। तो ये अब कुछ इस तरह का सीन है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना टी का और कॉफ़ी का वो 0.3 है और टी का और पी का जो डिफरेंस है वो 0.7 है, यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसका, ठीक है। और ये अब यहाँ से इसको देखना शुरू करो कि ये बात इसने की है कि किसी वर्ड को कोई नंबर दे दिया, किसी वर्ड को कोई नंबर दे दिया। अच्छा और ये है वर्ड बैग पूरा, ये पूरा वर्ड बैग है, हर वर्ड को एक नंबर दिया हुआ है कोई ना कोई, क्योंकि हमने ये देखा था ना कि वेक्टर डेटाबेस में हम क्या कर रहे होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं जो हमारा जो टेक्स्ट डेटा होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, या उसको एम्बेडिंग भी बोल सकते हैं आप। तो जाहिर है हर वर्ड को एक नंबर देना पड़ेगा मुझे, और हर वर्ड को नंबर देके और उसको मैं क्या कर देता हूँ, इस जो मैं वेक्टर तैयार करता हूँ अपना उसके अंदर उसको मैं सजा देता हूँ, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे और इसने क्या बात बताई है, ये रहा ये पूरा सेंटेंस देखो, ये कन्वर्ट हो रहा है वेक्टर के अंदर इस जगह पे। अच्छा तो ये ज़रा देख लेना इसको, इसका लिंक यहाँ पे मौजूद है। अब मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ वर्बली की अब क्या चीज़ है ये, ठीक है। उसने तो एक अपने हिसाब से बताया लेकिन मैं ज़रा आपको थोड़ा ईजी करके बता देता हूँ। देखो चक्कर ये, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि जब कोई भी टेक्स्ट डेटा वंस वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वापस एक्चुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा इट इज़ जस्ट लाइक हैश, जो हैश होता है ना इनक्रिप्शन के अंदर जो चीज़ होती है हैश, उसमें क्या होता है कि जी वो वंस आप एक किसी पासवर्ड का हैश बना देते हैं तो आप उसको एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बिक्रिप्ट करके वो मैंने वेब डेवलपमेंट के अंदर जो लॉगिन साइनअप वाला टॉपिक पढ़ा है ना वहाँ पे ये बात डिस्कस हुई हुई है कि व्हाट इज़ इनक्रिप्शन और व्हाट इज़ बिक्रिप्ट हैश। तो क्या कहते हैं वो वापस एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता, वो हैश बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेट करते हैं हम, तो वो इसलिए नहीं कन्वर्ट हो सकता क्योंकि हम उसको कैलकुलेट जिस तरह से करते हैं ना तो उसमें ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा मिसाल के तौर पर क्या नाम है भाई तुम्हारा, अब काशान का मैं जो है ना हैश कैलकुलेट अगर करता हूँ तो अब मैंने बोला यार 10 डिजिट का हैश कैलकुलेट होगा ये, क्योंकि हैश में भी यही होता है ना 1024 कैरेक्टर का वो होता है, फिक्स होता है हर दफ़ा उतने का ही होगा, चाहे जितनी बड़ी फाइल दो चाहे जितनी छोटी दो। तो मैंने कहा यार 10 कैरेक्टर का जो है ना हैश कैलकुलेट होगा। अच्छा पहले जो दो डिजिट्स होंगे उस हैश के
वो क्या होगा भाई कि काशान की हाइट इस वक्त कितनी है, सेंटीमीटर्स में कितनी हाइट है, वो पहले दो डिजिट आ गए। अच्छा फिर उसके बाद काशान का वेट कितना है, किलोग्राम में दो डिजिट आ गया वो, ठीक है भाई, के 30, 35, 40 जो भी 50, 60। अच्छा तो ये चार डिजिट हो गए शुरू के, दो और दो चार डिजिट हो गए। अच्छा उसके बाद के जो चार डिजिट हैं वो क्या होगा जी कि काशान के बैंक अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं, वो चार डिजिट आ गए, ठीक है। या कोई और चीज़ जो भी, या काशान का जो स्किन कलर है, जो स्किन कलर का जो RGB वैल्यू है ना, चलो चार डिजिट का वो भी होता है, छः डिजिट का होता है बल्कि, वो तो छः डिजिट ही आ गया, 6 और 4 10 हो गए, पूरे हो गए। अब ये वाला जो हैश है ना, अब मैं काशान का जब भी ये हैश कैलकुलेट करूँगा ये सेम आएगा। हाँ वो अलग बात है, अगर काशान धूप में घूमना शुरू हो जाए, काला हो जाए, तो फिर अलग आना शुरू हो जाएगा, या बैंक अकाउंट इसका क्या कहते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च कर दे, ये बैंक अकाउंट ज़ीरो हो जाए, तो फिर शायद अलग आए, ठीक है। हाँ अच्छा, तो हर दफ़ा एक ही आएगा, यही हैश मैं किसी और बंदे का कैलकुलेट करूँगा तो वो डिफरेंट आएगा, है ना, क्योंकि उसके स्किन का कलर चेंज है, उसकी हाइट और उसका जो वेट है वो चेंज है। लेकिन अब आप सोचें कि अगर ये वाला हैश मेरे पास मौजूद है तो क्या मैं इस हैश को वापस एक्चुअल काशान में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो हैश को भी क्या कहते हैं, वन वे इंक्रिप्शन कहते हैं। इसी तरह वेक्टर भी क्या है, ये वन वे है, ये टू वे नहीं है। वंस किसी स्ट्रिंग को या किसी टेक्स्ट डेटा को आपने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, वो आपको एक एरे दे देगा, लेकिन उस एरे को आप एक्चुअल दोबारा टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैलकुलेट इस तरह हो रहा है। अच्छा वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है, एक जी बना हुआ होता है वर्ड बैग, ठीक है। अच्छा वो थ्री डायमेंशन होता है एक्चुअली, वो वर्ड बैग जो वो क्या होता है, वो थ्री डायमेंशन होता है, इसका एक जेड भी जा रहा होता है ना, यानी आप समझ लें कि ये पीछे एक जेड भी जा रहा है, ये मेरे पास एक थ्री डायमेंशन स्पेस है, ठीक है ना, ये एक थ्री डायमेंशन स्पेस है मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या होगा, इस थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर एक वर्ड है डॉग, तो वो ये इस जगह पे आ गया, ठीक है। अच्छा इससे अब जितने मिलते जुलते वर्ड्स होंगे ना, वो इसके आसपास ही होंगे, जैसे डॉग के साथ और कौन सा हो सकता है, जैसे डॉग के साथ हो सकता है हियाना, सही है, हाइना जो होता है, हाइना इसके आसपास ही कहीं होगा क्योंकि वो इसी से मिलता जुलता है। अच्छा फिर उसके अलावा क्या होगा, जैसे अगर कहीं पे रहती है ना वेल जैसे है, सही, हाँ बार्क का जो वर्ड होगा वो भी इसके आसपास कहीं होगा, ठीक है। ऐसे वेल एक है, ठीक है, तो उसके साथ जो फिश होगा ना वर्ड, वो भी इसके साथ ही होगा, शार्क भी इसके साथ ही कहीं करीब होगा इसके, ठीक है। इसी तरह जो तैरने वाले, अगर डक होगा तो डक भी इससे बहुत करीब नहीं होगा लेकिन थोड़ा करीब ही होगा, फिर भी डक भी क्योंकि तैरती है पानी में, ठीक है। इसी तरीके से जो शिप है, वो शिप भी क्या होगा, इससे बहुत करीब तो नहीं होगा लेकिन शायद डक से ज़्यादा करीब होगा, वेल और शिप। अच्छा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये वो डिसाइड कर रहा है जो वर्ड बैग तैयार हो रहा है अभी, कि कौन सा वर्ड मेरे वेक्टर में कहाँ पर है, मेरे वेक्टर में कौन सा वर्ड कहाँ पर है। अच्छा अब जब मैं कह रहा हूँ ना कि ये इस तरह हो रहा है, तो इसको सबको एक नंबर असाइन हुआ हुआ है, जैसे 0.523 ऐसे करके एक नंबर असाइन हुआ हुआ है। ये जो लोकेशन है ना, ये एक्चुअली दिस लोकेशन इज़ अ नंबर, क्योंकि 3D स्पेस है ना मेरे पास ये, तो ये जो लोकेशन है मेरे पास, ये हर लोकेशन का एक नंबर है मेरे पास, ठीक है। अच्छा मैं गूगल सर्च पर अब जाके लिखूँगा ना वेक्टर डेटाबेस, तो यहाँ पे कहीं पे मुझे वो ये एग्जांपल मिल गई मुझे, ठीक है, देख रहे हो, एप्पल और गूगल जो है ना पास पास होंगे, यानी अगर कोई पोस्ट अगर एप्पल के नाम से और मैं गूगल लिख के भी सर्च करूँगा तो वो एप्पल वाली पोस्ट भी आएगी। अच्छा इसी तरह जो एप्पल है वो बनाना से भी करीब करीब होगा, सही है, अगर मैं एप्पल लिखता हूँ तो गूगल भी आएगा साथ में और बनाना वाली चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। इसी तरह कैट और डॉग जो है वो एक ज़रा करीब करीब होंगे थोड़े, ठीक है। क्वेरी किटन अगर क्वेरी करते हैं तो उसके अंदर क्या आएगा, ये इसके आसपास के सारी चीज़ें ना ये मुझे ला के देगा। अच्छा ये कितने आसपास की ला के देगा, ये डिपेंड करता है कि मैं के टॉप कितना बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार करीब तरीन, अब मिसाल के तौर पर टोटल इसमें 100 डॉट्स हैं, टोटल इस स्पेस में 100 डॉट्स हैं अगर, ठीक है, तो मैं अगर इसमें क्वेरी लगाऊंगा ना किटन और मैं दे दूंगा 100, तो 100 में तो फिर ये भी आ जाएगा, समझ रहे हो बात। तो ये है चक्कर वेक्टर डेटाबेस का सारा का सारा, इससे ज़्यादा इसकी कोई थ्योरी मेरे ख्याल है नहीं। अच्छा
वंस इसको मैं जब कन्वर्ट कर देता हूँ ना वेक्टर में, तो वो जो मेरा समझ लो जो वर्ड है ना, ये यहाँ से डॉग और कैट और ये सारा उठता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यार माई गॉड माई डॉग इज़ वेरी गुड डॉग, ये लिख दिया मैंने, या आई लव कैट्स लिख दिया। तो यहाँ पे इस पूरे स्पेस में से ना कहीं इस पे मौजूद होगा। आई का जो वर्ड है ना वो इस पूरे बैग में, ये पूरा बैग बन रहा है मेरा, इस बैग में आई कहीं ना कहीं मौजूद होगा, तो मैं आई उठाऊंगा। अच्छा, आई वो वहाँ पे जो मौजूद है इस जगह पे, इसका मतलब इसका एक नंबर है जब ये यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि 3D स्पेस में क्या होता है, एक्स वाई जी एक नंबर होता है जब भी आप उस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होते हो, है ना। तो जो भी एक्स वाई जी का नंबर होगा इसका, वो मैं उठाऊंगा अपने एरे में रखूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे को उठाऊंगा, आई लव का कोई ना कोई होगा इसमें, लव उठाऊंगा वो रखूंगा, और कैट उठाऊंगा वो रखूंगा मैं, ठीक है। और इस तरह करके एक पूरा 1536 डायमेंशन का एक मेरे पास एरे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसको अब ऐसा नहीं है कि जो है ना, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिनका जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो एग्जैक्टली सेम जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये सब दूर दूर ही हों आपस में। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बिल्कुल एक ही उसका मतलब होगा, जैसे अगर कैट है, या उसको हम कह दूँ कि भाई कैट की कोई ब्रीड है, जैसे अंगोरा करके एक ब्रीड है, इसी तरह अमेरिकन वायर हेयर करके एक ब्रीड है। तो अगर अमेरिकन वायर हेयर करूँ ना, तो शायद उसका जो समझ लें आपके नंबर होगा, वो एग्जैक्टली कैट के ऊपर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। तो ये सारा काम कौन डिसाइड करता है, ये वर्ड बैग जिसने बनाया ना वो डिसाइड करता है। और इस वर्ड बैग में से वो सारे नंबर उठा के और मुझे एक एरे बना के वो दे देता है, कहता है यार ये आपका क्या हो गया, ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया पूरा जुमला। अच्छा, इसी तरह जब वापस आके सर्च करते हैं तो भी इसी तरह सर्च होता है कि वो उस एरे को उठाता है, और उस एरे को उठा के जो पहले से जो मौजूद एम्बेडिंग्स है मेरे पास, उससे वो सर्च करता है कि कौन सा नंबर किसके कितना करीब है। अब वो अंदर कंप्यूटेशनली ये सारा काम हो रहा होता है, तो आपको जो है ना, जो सबसे करीब तरीन वाला होता है वो निकल के आ जाता है आपके सामने। सही है, मेन बेनिफिट इसका सर्च है, सिर्फ सर्च है इसका, और कोई मेन बेनिफिट नहीं है इसका। इसका जो मेन बेनिफिट है वो सिर्फ सर्च है। अब इसको हम चैटबॉट में किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो ओपन एआई में ये कह रहे हैं ना, ये जो पाइन कोन वाले जो कह रहे हैं कि जी इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी इससे आप दे सकते हैं अपनी ऐप को या अपने चैटबॉट को, तो वो भी एक्चुअली सर्च कर रहे होते हैं। वो उन्होंने नाम डिवाइस कर दिया एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, असल में कुछ भी नहीं है वो असल में सर्च ही है जो हमने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका सिर्फ जो वेक्टर डेटाबेस का वन एंड ओनली यूज़ केस है ना जो, वो सर्चिंग है बस, इसके अलावा इसका और कोई यूज़ केस नहीं है। अब सर्चिंग की मुझे ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, सर्चिंग में कहाँ कहाँ पे किस किस तरह सर्च कर सकता हूँ, ये एक अलग अब टॉपिक है, ये अलग सोचने की बात है हमारी ना, ठीक है। तो इसमें भी देखो इन्होंने जो है ना उसी तरह से एक एग्जाम्पल दे के बताई भी है। ये देखो, ये एक और एग्जाम्पल है कि ये जो एक 3D स्पेस है, और इसके अंदर ये स्कूल बॉल फूड ये जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ये उसके ऊपर ये सारा का सारा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो वर्ड बैग है डिपेंड करता है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को अगर सपोर्ट करता है तो सिर्फ इंग्लिश का ही बनेगा इसमें वेक्टर। किसी और का अगर आप बनाओगे ना तो बन तो हो जाएगा, लेकिन उस पर वो उस तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ओपन एआई का जो ये वेक्टर है ये सिर्फ इंग्लिश को ही सपोर्ट करता है, तो ये सिर्फ इंग्लिश के ऊपर काम करेगा, ये किसी और लैंग्वेज पर काम नहीं करेगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया मीट है ना, इसकी जगह मैंने उर्दू में लिख दिया गोश्त, तो गोश्त तो इसमें है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो चीज़ें इसमें एग्जिस्ट नहीं करती उसके लिए भी एक नंबर होगा इसमें कोई ना कोई, तो वो नंबर दे देगा, बोलेगा सारा यही है। सही है, तो मे भी उस तरह ये काम ना करे जिस तरह आप सोच रहे हैं, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में सही काम करेगा। अच्छा, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओपन एआई एम्बेडिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका जो वाइट पेपर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि जी अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं तो आया कि उसमें कोई उन्होंने ऑप्शन इस तरह का रखा है तो आप कर सकते हैं, या हो सकता है उन्होंने इंग्लिश के अलावा भी एक दो लैंग्वेजेस को और सपोर्ट किया वो, तो ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना आपको इससे समझ आ गया कि जो वर्ड्स इस वर्ड बैग में होंगे ये उन्हीं वर्ड्स के ऊपर सर्चिंग इसकी काम करेगी, बाकियों पे ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये थ्योरी इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर कुछ अप्रोच है अलग अलग, वो कुजीन वुजीन अप्रोच है, लेकिन उसको आपने जो ना डिफ़ॉल्ट पे ही करके चलाना है, उसको चेंज करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने कुछ और भी वेक्टर डेटाबेसेस के ना नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। रेडिस का नाम तो आपने सुना होगा मोस्ट प्रोबली,
ठीक है, लेकिन रेडिस इस तरह काम नहीं करता, उसके काम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मतलब अप्रोच तो अंदर वेक्टर ही होती है, लेकिन रेडिस इस तरह से काम नहीं करता। जैसे हमने इसमें लगाया ना कि खुद से डाल रहे हैं खुद से निकाल रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, जस्ट कनेक्ट, उसको बोलते हैं ये रहा मेरा मोंगोडीबी भी, बस उसको हम बोलते हैं मेरा मोंगोडीबी भी ये खड़ा हुआ है, अब देख लो क्या करना है, तो वो खुद ही कर रहा होता है जो भी, अब हमें बताता भी नहीं है कि वो करके आ रहा है। सही है, बस थोड़ी सी परफॉर्मेंस उससे अच्छी हो जाती है। इंग्लिश में ही होना चाहिए, आओ देख लेते हैं ना। सर अगर पहले उसको जैसे रोमन में अगर कोई सेंटेंस आया तो उसको कन्वर्ट करके किसी एपीआई से कन्वर्ट करवा के इंग्लिश में भेज दिया भाई, ये रोमन में भी लिखा गया है ना, अगर ये आ गया ना इन डिफरेंट लैंग्वेज करके दे दिया इन्होंने। ठीक है, एम्बेडिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, आई एम वर्किंग ऑन अ पी ओ सी चैट बॉट, इफ द नॉलेज बेस आई हैव एम्बेडेड इज इन स्पेनिश एंड सो विल बी द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन भी स्पेनिश में होगा, तो विल द ओपन आई एम्बेडिंग ए पी आई विल वर्क करेक्टली, द वेट रिटर्न विल बी करेक्ट, यानी जो वेट्स वो दे रहा है हर वर्ड के अगेंस्ट जो नंबर होता है ना उसको वेट्स कहते हैं, कि किस वर्ड का कितना वेट है और कितना डिस्टेंस है। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विथ स्मार्ट connections, yes, the embedding models support multiple languages including Spanish. अब इसने ये reference नहीं दिया कि इन्होंने कहाँ से document में देखा है कि multiple language में कौन कौन सी language है। Smart collection देख लेते हैं क्या है, Smart connection क्या है ये, chat with your notes plus this, अच्छा ये chat with PDF का कोई मंजर है, भाई 1.1K स्टार है, लोग देख रहे हैं इसके काम को। ये इसने बनाया है भाई, स्मार्ट चैट ट्रांसफॉर्म योर नोट इनटू इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन। हाँ मल्टीलिंगुअल एम्बेडिंग यूनिवर्सल सेंटेंस एनकोडर, जवाब नहीं दिया किसी ने इसका। एम्बेडिंग विद एडा, ओके यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, इसके डॉक्स में ज़रा आप देख लेते हैं। ब्लॉग पोस्ट इन्होंने की थी जब अनाउंस किया था, उसमें हम देख सकते हैं, लिमिटेशन एंड रिस्क में चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, इनमें से कहीं ना कहीं इसने ये मेंशन किया हुआ होगा। अच्छा लिमिटेशन एंड रिस्क यहाँ आ गया, सोशल बायस, लैंग्वेज का कहीं इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अच्छा इसने कहा कि भाई हमारा जो वर्ड बैग है ना वो इन इन डेटाबेस के साथ चल सकता है, जिसमें पाइनकॉन का जिक्र है, इसमें भी मोंगोडीबी का जिक्र नहीं है क्योंकि मोंगोडीबी ने अभी इसको अनाउंस किया। ठीक है, वी रेकमेंड कोजाइन सिमिलैरिटी। अब इसमें ना तीन अप्रोच होती है जब हम डेटाबेस मोंगोडीबी पे या पाइनकॉन पे बना रहे होते हैं ना, उसमें तीन अप्रोच होती है, तो वो कह रहा है कि हमने कोजाइन वाला ना रेकमेंड किया हुआ। ठीक है, बस तो हम वही यूज़ करेंगे। अब इसके रेफरेंस में जाके हम ज़रा देख लेते हैं। हाँ
इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि कहाँ पे ना क्या सीन है इसका। तो यार बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हाँ नहीं वैसे कर तो सकते हैं, देखो एज अ लास्ट रिजॉर्ट तो ये कर सकते हैं जो तुम कह रहे हो। अच्छा एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं लिखूंगा ना तो शायद मोस्ट प्रॉब्ली वो पकड़ ले उसको ना, तो कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। एक मेरा अच्छा गांव, मेरा अच्छा दोस्त, ये लो सही है। मेरे दोस्त का नाम शहजाद है, सही है, ये भी लिख दिया मैंने, तुम्हारा नाम भी लिख दिया। जाओ अभी सर्च करते हैं, सही है, हम दोनों एक ही जमात में पढ़ते हैं। यही ऐसे ही होता था ना उर्दू में बचपन में जो बुक्स हमारी होती थी, हम दोनों एक ही जमात में पढ़ते हैं, सही है। बस मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है इसको सर्च करने के लिए, सही है। अच्छा अब अगर मैं लिखूँ फ्रेंड तो नहीं लाएगा, ये नहीं लाया, इसको नहीं पता लगेगा कि दोस्त और फ्रेंड एक ही होता है। या दोस्त को कुछ और बोलते हैं उर्दू में, अबे बड़ी इंग्लिश होता है बेली होता है, लेकिन वो भी पंजाबी में होता है, यार होता है, नहीं है भाई। अच्छा अगर मैं एग्जैक्टली दोस्त लिख दूं तो शायद फिर ले आए, लेकिन हो सकता है जब भी ना लाए। नहीं लाएगा यार, कैसे लाएगा, अरे ले आया, एग्जैक्टली लिख रहा हूं तो ले आ रहा है, सही है। अच्छा दोस्त लिखता हूं तो फिर अच्छा दोस्त भी ले आता है, बुरा दोस्त लिखता हूं तो फिर जब भी ले आता है। क्लास भी इसको पता नहीं लगती भाई, सही है, जमात लिखता हूँ तो फिर पता लग जाएगा। अबे जमात भी नहीं पता लग रहा है इसको, जमात लिखा था ना मैंने यहाँ, JAMAT, नहीं लाया देगा, ये उर्दू पे काम ही नहीं कर रहा। अबे जब जमात लिखने पे नहीं ला रहा तो क्लास फेलो पे कहाँ से लाएगा, ये सिर्फ इंग्लिश पे चलेगा भाई, सिर्फ इंग्लिश पे चलेगा ये मेरे हिसाब से। अच्छा देखो इंग्लिश के और कुछ फ्रेंच वगैरह के ना कुछ वर्ड मिलते जुलते होते हैं, सही है, तो हो सकता यानी इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच की सपोर्ट देना शायद इतना मुश्किल नहीं है, शायद उन्होंने दी हुई हो, स्पेनिश की दी हुई हो शायद, ठीक है, क्योंकि इनके जो मेन वर्ड है ना वो बहुत सारे सिमिलर हैं, इंग्लिश और इसके सिमिलर हैं, ठीक है। फिर उनका जो वो भी सेम है, यानी इसको क्या कहते हैं हम, रस्मुल ख़त जो है, यानी स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो भी इनका सिमिलर है, उनका भी ABCD ऑलमोस्ट फ्रेंच वाला भी एक ही है, बस उसमें ज़ेर ज़बर थोड़ा लगाते हैं वो, लेकिन अगर वो ना भी लगाएं तो वो उसके बगैर भी लिखा जा सकता है ना, बगैर ज़ेर ज़बर वाले इंग्लिश के उसके बगैर भी लिख सकते हैं ना फ्रेंच को, तो रस्मुल ख़त इनका एक जैसा है। अब हमारा वाला जो है ना वो अरबिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है ना हमारा उर्दू जो है, ठीक है, और रोमन जो है वो तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी ऑफिशियल दर्जे में एग्जिस्ट नहीं करता ये, तो इसको इंग्लिश करके इन्होंने एक बनाया हुआ है, लेकिन वो भी मतलब ऐसा ही है, वो सही नहीं है। जब भी नहीं लाएगा, क्यों लाएगा जब भी, चलो देख लेते हैं लिख के। अच्छा उर्दू ही चाहिए हमें यहाँ, करेगा वो क्यों नहीं करेगा, उसका तो काम है कर देना, उसके उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने हैंडलिंग की हुई होगी ना उसकी। अच्छा मेरा अच्छा दोस्त मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा, अब आ जाओ नीचे इसके। अबे क्या क्या कर दिया इसने, गुम कर दिया मैंने उसको।
चलो भाई ये कर दिया हमने उर्दू में पोस्ट, पोस्ट तो क्रिएट हो गई है लेकिन ये सॉल्ट नहीं किया हुआ ना तो इसलिए वो नीचे गई है उससे। अब मैंने दोस्त लिखा और दोस्त लिख के अब इसको मैं सर्च करता हूँ यहाँ ले आया। जमात लिखते हैं जमात पे नहीं लाया ना, देखो ना एग्जैक्ट लिखा है मैंने जमात भी कॉपी करके लिखा है। अब फ्रेंड लिख लो, फ्रेंड पे ला रहा है यार, ला रहा है सही है। गुड लिखता हूँ अगर मैं, गुड यार वो कभी कभी तुक्के में ले आ रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं ला रहा है ये। नहीं शहजाद तो चलो वर्ड वो नहीं है ना, वी बोथ लिखते हैं ना। सेकंड नंबर पे ले आया। अच्छा वी बोथ में तो ये ज़्यादा एग्जैक्ट मैच हो गया ना यार, ये कैसे मैच हो गया, ये तो मैंने रोमन में लिखा हुआ था। नहीं कभी कभी मैच हो भी जा रहा है और कभी कभी नहीं भी हो रहा है ना, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना ये तुक्के में मैच हो जा रहा है, इन्होंने सपोर्ट दी भी नहीं है इसकी। वेट देख लेते हैं, जीरो पॉइंट सेवन, जीरो पॉइंट सेवन एट। कॉफी जो 0.6 हो गया सबसे लास्ट में आया वो। हाँ क्या चीज हाईएस्ट, पता नहीं स्कोर का मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन यार इंग्लिश में तो बहुत सही चल रहा है। जैसे मैं देखो ना टी लिखता हूँ और कॉफी मेरे टॉप पे आ जाता है मेरे पास। और भी लैंग्वेजेस हैं जिनकी राइटिंग इंग्लिश जैसी है, फ्रेंच वगैरह हाँ, उनको अगर रिव्यू ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई उनमें तुक्का ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उनकी सपोर्ट दी भी होगी तो फिर वो बिल्कुल परफेक्ट। इंग्लिश में देखो ना, देखो टी लिखता हूँ कॉफ़ी सामने आ जाती है मेरे पास, हालांकि इस पूरे जुमले में कहीं पर टी का जिक्र नहीं है। अगर मैं कंट्रोल एफ़ करूँ और टी लिखूँ यहाँ पर तो टी कहीं पर भी नहीं है इस पूरे जुमले में, सही है। इस जुमले में डार्क का जिक्र है, जैसे मैं डार्क लिखूँगा ना तो इसका जिक्र है यहाँ पर, लेकिन इसमें कॉफ़ी का कोई जिक्र नहीं है और टी का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है कॉफ़ी की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, फिर भी तीसरे चौथे नंबर पे ले आया है इसको ये स्टिल। अच्छा ये जो हमारे पास है ना, ये असल में ज़रा गार्बेज हो जा रहा है ना, ये जो गार्बेज है ना इसकी वजह से ये ज़्यादा मस्ती कर, इसको डिलीट मारता हूँ मैं गार्बेज को। ये असल में इसको समझ नहीं पा रहा कि ये क्या चीज़ है, इसको हमेशा ये कभी टॉप पे बिल्कुल लेकर आ जा रहा है। ये जो लिखी हुई है ना इसमें बात, इसका कोई मतलब नहीं है ना एक्चुअली, है ना। ये चलो फिर भी ठीक है, ये ठीक है, नहीं इसमें भी गार्बेज है, ये गार्बेज है ना इसके अंदर। सही, हमने सारा गार्बेज रिमूव कर दिया। टॉफी में अभी भी जो कॉफी है वो सेकंड नंबर पे है। वेल तो यार ये अपना एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ है, इसको एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये समझ आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट ये होगा कि हम इस पूरे सेटअप को जो हमने इस वक्त पाइन कोन पे सेट किया हुआ है, अच्छा उसमें हमारा सीन चेंज किया होगा, चेंज हमारा सीन सिर्फ इतना सा होगा कि जो है ना हम जो जब पोस्ट करते हैं, जब हम पोस्ट करते हैं जब, तो इसको ओपन AI से कन्वर्ट करने वाला पार्ट जो है वो सेम रहेगा।
ठीक है, जस्ट ये पाइन कोन में जो इंसर्ट करने वाला पार्ट है ना, ये पार्ट रिमूव करके हम यहाँ पे मोंगो डीबी का पार्ट लगा देंगे, दैट्स इट। ठीक है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात रहेगी आपसे जो नेक्स्ट क्लास आपकी।